أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون यसअलूना सअला उन्होंने उसने सवाल किया यसअलू वो सवाल करता है या करेगा यसअलून वो सब सवाल करते हैं या करेंगे काफ़ तो मुखातब की अलामत आ गई वो सवाल करते हैं या करेंगे अन के मुतालिक अहिल्ला अहिल्ला कहते हैं हलाल की जमा है अहिल्ला ये चांद के घटने और बढ़ने के हवाले से जान सवाल करते हैं कुल ए नबी मुअज़्ज़म इन्हें कह दो ये जो सवाल करने वाले हैं उन्हें कहो हिया ये जो चांद की तारीखें घटती हैं कभी चांद बढ़ जाता है ये जो होता है मवाकीत वक्त की जमा है ये मिकात हैं ये वक्त मुकर्रर हैं बताने के ज़रिए हैं लिन्नासी दो लामों आगे जिसके माने के लिए नास लोगों के लिए लोगों के वक्त बताने के मुकाम हैं वल हज और हज को बताने के हज की तारीखें बताने का ये ज़रिया है वलैसा और लैसा नहीं है अलबिर्रु ये भी कलमा बार बार आ रहा है उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं नहीं है नेकी बि अन के तातु आता याती आना तातु वलिफ जमा किलम तुम आओ अलब्यूता अपने घरों को बैत की जमा है ब्यूत अपने घरों को मिन जहूरिहा मिन का मतलब से जहूरिहा जहर की जमा है जहूर जहर कहते हैं पीठ को उसके पीछे से अपने घरों के पीछे से ना आओ ये कोई नेकी नहीं है वलाकिन अलबिर्रा वो और लेकिन लेकिन अलबिर्रा लेकिन नेकी ये है मन तका जो डर गया जिसने तकवा इख्तियार कर लिया लोग तुमसे चांद की घटती बढ़ती सूरतों के मुतल्लक पूछते हैं कहो ये लोगों के लिए तारीखों के तयीन की और हज की अलामतें हैं नीज उनसे कहो कि ये कोई नेकी का काम नहीं है कि तुम अपने घरों में पीछे की तरफ से दाखिल हो और नेकी तो असल में ये है कि आदमी अल्लाह की नाराज़गी से बचे वह आतु अतायाती और आओ अलब्यूता अपने घरों को मिन अबवाबिहा मिन से अबवाब बाप की जमा है हा उसके अपने घरों के दरवाज़ों से आओ वत्तकुल्लाह और तकवे की रवश को अपनाओ अल्लाह से डरो लअल्लकुम लअल्लाह ताके शायद के मुमकिन है तुफ्लिहून ताके तुम फलाह पा जाओ ते तुम के लिए वनून जमा के लिए बाकी तो फलाह का कलमा है उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं कि ताकि तुम फलाह पा जाओ लिहाजा तुम अपने घरों में दरवाजे ही से आया करो अलबत्ता अल्लाह से डरते रहो शायद कि तुम्हें फलाह नसीब हो जाए जिस तरह ये पहले बताया गया कि जो बातें तुमने खुद ही घड़ रखी थीं तुम्हारे बुज़ुर्गों ने कहीं और तुम मानते चले जा रहे थे जो अल्लाह ने नहीं कहीं वो दीन नहीं होता दीन वही है जो अल्लाह फरमा दें जो उनके रसूल फरमा दें अब लोगों के अंदर ये मशहूर हो गया और दीनदार ही लोग इसको मशहूर करते हैं कि ये तारीखें मनहूस होती हैं ये तारीखें बड़ी सईद होती हैं इन तारीखों में कोई काम करें तो काम ख़राब हो जाता है इन तारीखों में कोई काम करें तो काम बड़ा अच्छा हो जाता है ये मनहूस की और ये सईद होने की जो चीज़ें बना रखी हैं ये लोगों तुमने खुद बनाई हुई हैं तो अल्लाह ने उन्हें कहा ये जो तुम हलाल परस्ती करते हो कि इन दिनों में हमने ये काम करना है और इन दिनों में नहीं करना तो ये उसके लिए नहीं है ये तो सिर्फ वक्त बताने के लिए है कि अब लोगों को बता दिया जाए कि ये
मुहर्रम आ गया है, ये सफ़र आ गया है, ये जमादिल अव्वल आ गया, ये जमादिल सानी आ गया, ये दिन हैं जो फिरते रहते हैं, और ये वक्त है हज आ गया, क्योंकि सबसे अहम मौसम जो होता था वो हज का होता था, तो हज का मौसम आ गया है, तो ये उसके लिए होती है। लैसल बिर्रान ता दूसरी एक और बात कि ये भी एक उन्होंने अपने तौर पर खुद ही घड़ रखी थी बात, कि जब वो हज के लिए जाते तो हज के लिए जब जाते तो उस दौरान उन्हें घर में आना पड़ता, तो वो घर में डायरेक्ट दाखिल नहीं होते थे, वो अपने मेन दरवाजे से नहीं आते थे, घरों की पुश्त से दीवार फैलांग कर या कोई खिड़की बनाकर उसमें से दाखिल होते थे, क्योंकि उनके इतकाद में था कि ये जायज़ नहीं है, जब तक हज मुकम्मल ना हो जाए और जिस्म पाक ना हो जाए तो उस वक्त तक तुमने अपने दरवाज़ों से घर में दाखिल नहीं होना, क्योंकि आदमी जब हज मुकम्मल कर लेता है तो इस तरह पाक हो जाता है जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज बच्चा पैदा हुआ, तो अपने जिस्म को उस हालत में पहुँचा कर फिर कहते थे हम अब घर में दाखिल होंगे। कहा ये रस्म मत करो, इस ये नेकी नहीं है, बल्कि नेकी क्या है कि तुम तकवे की रवश को अपनाओ, और तकवे की रवश को अपनाओगे तो तुम इस दुनिया की भी और उस दुनिया की भी फिर फला पाओगे। इन आयात को एक दफ़ा फिर तलावत खुद कीजिए, अरबी मुबीन पढ़ते हुए देखिए क्या बात पूरी अंदर उतर रही है, क्या ये उर्दू के सांचे में ढलती गई हैं इबारतें। अगर बात समझ आनी शुरू हो गई तो अल्हम्दुलिल्लाह, यही हमारा हदफ है और यह हदफ पूरा हो गया। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर। अलिफ लाम